आर यू स्ट्रगलिंग टू गैर अब इन कैनेडा तो ये वीडियो है आपके लिए राइट बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे न्यू इमिग्रेट्स लाइक रीच आउट टू मी देस है स्ट्रगलिंग टू गैद अर जॉब और कुछ तो बोलते कैनेडा की जॉब मार्केट इज लाइक यू नो खराब है बेकार है राइट ओके पहली बात तो ये दट्स नॉट राइट कैनेडा की जॉब मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैंड्स डाउन राइट You job a job, that's a different thing, right? Okay, so let's talk about it, right? This is a simple thing, si but it can fundamentally change your job search and it will help you get into the dream organization, right? Okay, but disclaimer. भाई देखें अब अगर आपके पास एजुकेशन या स्किल सेट नहीं है उस इंडस्ट्री के अंदर तो ये उनके लिए नहीं है आप बोल रहे हैं कि मैंने ना लॉयर बनना है और आपने एल नहीं किया हुआ तो ये तो जाहिर सी बात है वर्क या आपने डॉक्टर बनना है आपने एम नहीं किया हुआ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली फ्रॉम अ परसपेक्टिव ऑफ आप फाइनेंस में आपको फाइनेंस की जॉब नहीं मिली आप अकाउंटिंग में है आपको अकाउंटिंग की जॉब नहीं मिली आप टेक्नोलॉजी के अंदर है आपको टेक के अंदर जॉब नहीं मिली आप स्ट्रगल कर रहे हैं राइट ओके सो दिस इज वॉट यू डू राइट ईजी है थोड़ा सा लगते हैं तीन से छः महीने का ये प्रोसेस है बट इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है रीच आउट टू द योर ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है लेट्स से राइट ओके एक हॉस्पिटल है आपने वहाँ पे काम करना है ओके वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू ज रीच आउट टू देर एच आर डिपार्टमेंट उन्होंने बोले मुझे वॉल्टियर करना है या मुझे इंटर्नशिप करनी है है okay? कभी कभार वॉल्टियर वर्कस आउट कभी कभार बहुत सा इंटर्नशिप वर्क बेटर आपने दोनों चीज़ों से ट्राई करना है ओके okay? इंटेंट ये है कि आप अपने हफ्ते के इन सेवन डेज यू जस्ट इन्वेस्ट टू टू फोर आवर्स आइर इंटर्निंग और आदर वॉल्टरिंग होता ये कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन फिर जॉब ओपनिंग के लिए जाती है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाती है बाय डिफॉल्ट क्यों क्योंकि दो चीज हो चुकी एक तो ये कि आपका आप ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं पार्ट हैं राइट right? क्योंकि तो बहुत सारी कंपनीज कनाडा में प्रिफर करती हैं टू प्रोमोट विद इट राइट पर सेकंड द बिगेस्ट थिंग इज कि आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है उस एन्वायरमेंट और कल्चर के अंदर राइट right? जो भी कंपनी है जो भी लेते इन दिस केस हॉस्पिटल है अगर आप उस हॉस्पिटल के कल्चर को समझते हो राइट right? ओके okay, आप समझते हो कि वो उनकी वैल्यूज लेकिन ओ क्या है तो एज अ रिक्रूटर एज एन एच आर पर्सन यू आर अ लेस ऑफ अ रिस्क फॉर देम जहा बनस्बत एक कंप्लीट न्यू कैंडिडेट के जिसको पता ही नहीं है उस कंपनी के बारे में जिसने उस कंपनी में कभी काम ही नहीं किया मैंने हमेशा देखा है अगर आप सही जगह इंटर्नशिप या वॉलेंटियर करते हैं और आपका क्लियर एक विजन या गोल है कि यू वांट टू गेट इन टू टू दैट कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम इट एंड्स अप वर्किंग आउट और मीनवाइल मीनवाइल आप बेसिकली कोई साइड जॉब करें राइट कि जो भी आप कर रहे हैं वो करते हैं नहीं परसू कोशिश करें कि पांच घंटे हफ्ते में वीकेंड्स में लगा लें इवनिंग्स में लगा लें वॉलेंटियर करें या इंटर्न करें राइट ओके और कंसिस्ट करें पहली कंपनी में नहीं मिलता तो सेकंड ऑप्शन को रीच आउट करें सेकंड पे नहीं मिलता तो थर्ड थि को रीच आउट करें ऑनेस्टली व्हेन यू ऑफर योर फ्री टाइम मोस्ट कंपनीज विल नॉट से टू यू दिस इज द ग्रेट टिप फॉर न्यू इमिग्रेंट्स एंड स्टूडेंट्स और एनी वन स्ट्रगलिंग टू अ जॉब